और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में डबल मर्डर केस के दो हत्यारों की गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश की गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश कोखराज वाइन शॉप डबल मर्डर केस के हत्यारोपी बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ की ये वारदात कोखराज थाना इलाके के सिहोरी गंगा ओवरब्रिज के पास की है। एसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सिहोरी गंगा ओवरब्रिज के पास बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही की। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों बदमाश बेहद शातिर व अपराधी किस्म के हैं, जिन्होंने इलाके में चोरी लूट की वारदात के अलावा 23 जुलाई की रात कोखराज थाने के सामने सो रहे दो वाइन शॉप के सेल्समैनों की नृशंस हत्या कर दी थी। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहे के अलावा आला कत्ल बरामद किया गया है, जिनके विरुद्ध लिखा पढ़ी कर वैज्ञानिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ 23/24 की रात को एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें कि एक देसी शराब की दुकान और एक अंग्रेजी शराब की दुकान, इन दोनों के बाहर बैठ जो सो रहे सेल्समैनों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हम लोगों ने कई सारी टीमों को लगा रखा था, जो कि लगातार इस पर काम कर रही थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि इसके जो मुख्य आरोपी हैं गयादीन नाम का व्यक्ति, वो यहाँ पर छिपा हुआ है और वो एक दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो लगा हम लोगों ने अपनी जो हमारी जो टीमें हैं वो तत्काल यहाँ पर पहुँची और उसके साथ एक और व्यक्ति है जिसको रंगबाज कहते हैं, रंजीत उस रंगबाज कहते हैं, वो दोनों यहाँ पर थे और एक घटना की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखते ही तत्काल उन लोगों ने फायर थोक दिया पुलिस पर, जिसमें कि हमारा एक कॉन्स्टेबल भी घायल हुआ है। और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाएँ, जिससे कि एक अभी इन दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। तत्काल इन्हें मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी।